हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, ये आपको थंबनेल देखकर पता चल गया है। आज हम एक एम्पलीफायर बोर्ड से टीवी को जो है होम थिएटर में कन्वर्ट करने वाले हैं। जो घर में आपके टीवी पड़ा होता है उसको आज हम बजाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए और लाइक जरूर से करिए वीडियो को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, फटाफट चलिए चलते हैं। तो इस चीज़ को करने के लिए आपके पास सबसे पहले तो टीवी होना ज़रूरी है, जो कि मेरे पास ये वाला टीवी है। आपके घर में कौन सा टीवी है वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। और हाँ, टीवी होना ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ हमें लगने वाली है ये AUX केबल, ठीक है। ये वाली केबल की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपको दिख रही होगी। और उसके साथ साथ अभी मैं पहले कोई भी एम्पलीफायर बोर्ड टीवी के साथ कनेक्ट नहीं करने वाला हूँ। पहले मैं डायरेक्ट ये AUX केबल और सीधा ये मोबाइल, इन दोनों का कनेक्शन करने वाला हूँ। अब देखो, ये AUX केबल ये जो है मोबाइल में लगेगा, तो ये लग चुका है। अब यहाँ से टीवी को ऑन करेंगे पहले, तो ये देखो, तो यहाँ पर देखो टीवी तो हमने चला लिया है। हालांकि यहाँ पर अभी सिग्नल नहीं है, तो सिग्नल से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अपने मोबाइल से जो है गाने बजाने हैं टीवी के पे, ठीक है। तो सबसे पहले ये रेड वाला पिन यहाँ से निकाल लेंगे। साइड में तीन पिन होता है, और जो मेरे पास एक AUX केबल है इसमें ये दो पिन होता है। तो ये दूसरा वाला जो रेड वाला पिन है वो ये इसमें लगाना है, ये देखो। और ये जो वाइट वाला है टीवी का पिन, इसको निकाल लेना है। अब मैं कोई सा एक सॉन्ग प्ले करके आपको दिखा देता हूँ, एक NCS म्यूजिक। तो सुन सकते हैं आप। दोनों स्पीकर काम कर रहे हैं। तो अब मैंने बंद कर दिया हो। अब हमने ये तो ट्राई कर लिया, डायरेक्ट हम AUX केबल जो है जोड़ करके टीवी को होम थिएटर के टाइप में बजा सकते हैं। अब क्या करना है, अभी हमें एक एम्पलीफायर बोर्ड लेना है और उसको जो है कनेक्ट करना है। अभी एम्पलीफायर बोर्ड में पहले लूँगा। अब यहाँ पर देखो मेरे पास ये BT मॉड्यूल है, ब्लूटूथ मॉड्यूल, ठीक है। तो पहले मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ टीवी को बजाने के लिए। तो ये जो AUX का पॉइंट है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैं बाद में भी दिखा दूँगा अगर नहीं दिख रहा है। तो AUX का जो है पॉइंट है यहाँ पर, AUX का जो पॉइंट है इसमें हमें ये केबल लगा लेनी है। अब यहाँ से मैं ऑन करूँगा तो ये देखिए ब्लू वाली आपको LED जलती हुई दिखाई दे रही होगी हल्की सी यहाँ पर। और मेरा जो मोबाइल है वो इसके साथ कनेक्ट हो चुका है, हाँ कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हमें इसको ऐसे रख लेना है, और जो ये रेड वाली पिन है इसको पहले हम जैसे लगाए थे वैसे ही लगा लेना है। अब हमें यहाँ से सॉन्ग को प्ले करना है। तो मैंने सॉन्ग को प्ले कर दिया हो, अब पता नहीं सॉन्ग तो नहीं बज रहा है, शायद हम ऐसे सॉन्ग को नहीं बजा सकते, ये मुझे लग रहा है।
टीवी को ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्ट कर दिया। नहीं भाई, पिन लगाया मैंने। अभी मैं पूरा आपको झाम चाम झाम बताता हूँ क्या हुआ ना क्या नहीं हुआ। निकाल लेते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या करने वाला था। तो टीवी के साथ मैंने जो है ये AVX केबल जोड़ा, तो जो सॉन्ग है वो प्ले हो रहा था, ठीक है, मतलब बज रहा था ये AVX केबल के साथ। और ये होता भी है, अगर आपके पास AVX केबल है ऐसा वाला तो आप लगा कर देख लेना, हो जाता है, सॉन्ग प्ले हो जाता है, आप टीवी पर गाने चला सकते हो और बजा सकते हो। अब मैं यही सोच के कि एक काम कर रहा था, ये मेरे पास ब्रिटिश एम्पलीफायर मॉड्यूल है छोटा सा। अब पता नहीं इसको, मुझे लगता है ये काफ़ी छोटा होने की वजह से भी हो सकता है इसने उतने टीवी को नहीं मतलब चला पाया, ठीक है, लेकिन चलना चाहिए था। इधर AVX का पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ से हमने इसको हमने मोबाइल से कनेक्ट किया, BT स्पीकर यानी ब्लूटूथ से कनेक्ट किया। अब फिर यहाँ पर AVX लगा करके हमने आउटपुट में टीवी में जो है टीवी के स्पीकर के साथ बजाने की कोशिश करी, लेकिन ये नहीं हो रहा है, ठीक है, अब मुझे लग रहा था। तो अब मैंने थंबनेल में डाला होगी Class D एम्पलीफायर से हम ये होम थिएटर का DJ बनाएंगे, मतलब DJ बनाएंगे Class D एम्पलीफायर का। तो Class D एम्पलीफायर तो मेरे पास नहीं है, ठीक है, जल रहा था बैटरी, तब रुको एक मिनट। ओ भाई काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया है यार। तो Class D एम्पलीफायर तो मेरे पास अभी नहीं है। अगर आप बोलोगे कि नहीं नहीं, एक मैं आपको एम देता हूँ, इस वीडियो पर 20 लाइक होने चाहिए। 20 लाइक अगर इस वीडियो पे हो गए तो हम अपने चैनल पर Class D एम्पलीफायर लाएंगे और जो ब्लूटूथ स्पीकर है या फिर जो होम थिएटर है Class D एम्पलीफायर की मदद से हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आया होगा कि मैं क्या करने वाला था और क्या करना चाह रहा था, लेकिन जो करने वाला था वो हुआ नहीं, कुछ अलग ही हो गया। तो कोई बात नहीं, करते रहना चाहिए, ये एक एक्सपेरिमेंट था हम कर रहे थे। तो सक्सेसफुल तो नहीं हुआ, आधा सक्सेसफुल हुआ, जो कि ये AVX केबल के साथ ही आप बजा सकते हैं, अपने मोबाइल को कनेक्ट कर दो और टीवी के साथ ये पिन लगा दो तो वो बजा सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।